नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद यादव है और मैं यहाँ पे आपको यूपी पुलिस 28 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का एप्टीट्यूड का मैथ का जो पोर्शन है उसको यहाँ पे मैं कराने के लिए आया हूँ। मेरा चैनल है ए टू जेड कैरियर, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ 39 है, ये सी सीरीज का है। कह रहा कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क उस पर 40 रुपया देने के बाद कह रहा कि 12.5% का लाभ होता है, तो किस कीमत पे बेचा? आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे 640 प्लस 640 का 12.5% आप निकालेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 720 रुपये होगा, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर है। कह रहा है कि एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे x इजकल टू आपको दिया हुआ 2500 रुपये प्लस आप क्या करेंगे 10% इजकल टू 2750 हो जाएगा आपका, और फिर जो आपका आ जाएगा 88%, 88% जो है 2750 की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसका 1% निकालने के बाद फिर आप इसका 100% निकाल लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3125 आ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे, तो इसको आप SI इक्वल टू होता है PRT/100। इसमें आपको दे रखा है जो P की वैल्यू दे रखा है 1500 रुपये है और SI डबल हो रहा है, तो मतलब अगर हम 3000 में से 1500 माइनस कर देंगे तो फिर 1500 ही बच जाएगा, वो हमारा SI हो जाएगा। इस पे रख देंगे तो आपका 25 वर्ष आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1000 रुपये 2 वर्ष में इतने हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया, तो यहाँ आप क्या करेंगे कि 1000 आप इसको गो बैक मेथड से करना, आप यहाँ पे आप क्या करना 7% का मतलब 1000 जो उसका 7% आप निकाल लेना, 70 प्लस 70 आ जाएगा जो एक एक साल का हो जाएगा, फिर हमें ब्याज पे ब्याज लगेगा, मतलब 70 पे भी 7% निकालेंगे तो 4.9 आ जाएगा, तो आप इनको ऐड करेंगे देखेंगे आपका जो 1144.9 से मैच कर जाएगा तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है ABC के बीच इतने का नुकसान हुआ और जो नुकसान है वो 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना है, तो पूछ रहा है कि A का हिस्सा आप बताएं। तो सबसे पहले तो अनुपात को हम जोड़ लेंगे तो इसका योग आ जाएगा 24 और फिर आपसे A का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1152/24 कर देंगे तो आ जाएगा 48 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 336 आ जाएगा, जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है AB तथा C इतने रुपए का कारोबार प्रारंभ किया, B ने C की तुलना में 6000 अधिक दिए तथा A ने B की तुलना में 2000 अधिक दिए, यदि कुल लाभ इतना था तो A का हिस्सा पूछ रहा है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि जो हमें दिया है कि एक का x मान लेंगे हम, और फिर कह रहा है कि उससे जो B है वो 6000 ज्यादा है, तो इस तरह से अगर हम रेशियो इनका करेंगे तो C का आ जाएगा 12000 और B का आ जाएगा 18000 और A का आ जाएगा 20000, फिर इनको हम क्या करेंगे रेशियो में डिवाइड कर लेंगे तो 6, 9, 10 आ जाएंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे और जो टोटल प्रॉफिट है उसमें इसको डिवाइड कर देंगे हम। उसके बाद आपसे A का पूछ रहा है तो A का 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका 4000 आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 की बिक्री होती है। कह रहा है कि 3500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए पांचवें महीने में उसको कितने की बिक्री करना होगा, तो इसमें क्या करेंगे इन चारों की जो बिक्री है अब प्लस एक पांचवें का हम एक्स मान लेंगे ऐड कर लेंगे और जो हमारा टोटल ये 3500 दिया उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 5500 आ जाएगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बी और सी किसी काम को 40 दिन में करते हैं और कह रहा है जबकि तीनों मिलकर उसी काम को 20 दिन में करेंगे, तो आपसे पूछ रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए बी सी का जो काम है उनका एक दिन का और माइनस बी सी का जो एक दिन का काम है माइनस कर लेंगे तो आपका 40 आ जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफिशिएंसी बेस्ड है, कह रहा है ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, यदि बी अकेला यह काम 6 दिनों में पूरा करता है, तो इनकी एफिशिएंसी स्टार्टिंग में दे रखी है 3:6:2, जो एफिशिएंसी होती है वो डेज की इनवर्स होती है, तो अगर हम करेंगे तो ए और बी की 6:3 हो जाएगी और बी और सी की 2:6 हो जाएगी, फिर इनको हम करेंगे तो ये 12:6:18 हो जाएंगे,
फिर इनको हम जब निकालेंगे, इनका तो 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/18 करेंगे तो 22/72 आ जाएगा। तो इस तरह से फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3.27 आ जाएगा, जो आपका आंसर मैच करेगा, वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कह रहा है एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। कह रहा है उन्होंने आंशिक रूप से पैदल और कुछ दूरियां उन्होंने साइकिल से तय की। तो पूछ रहे हैं कि पैदल कितने दूरियां उन्होंने तय किया, तो हमने इसमें क्या कर लेंगे कि डिस्टेंस मान लेंगे पैदल हमारी वो तय किया उन्होंने एक्स किलोमीटर, तो जो रिमेनिंग बच गई साइकिल से वो 75 - x हो जाएगी, और टोटल टाइमिंग हमारी कितने लग रही 8 घंटे। तो 8 घंटे बराबर हो जाएंगे जो इन्होंने पैदल चलने में जितना समय लगा प्लस जो साइकिल से उन्होंने तय किया, और इसमें एक्स की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे तो आप 15 किलोमीटर आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पिघलाकर उसे 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया गया। तो पूछ रहा है कि शंकु का व्यास क्या होगा, तो इनके आयतन क्या होंगे, गोले का आयतन और शंकु के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो गोले को आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है, और जो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h होता है। तो इनमें हम इनकी वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारी जो आ जाएगी डायमीटर वो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। तो इसमें आप 12 देख लेंगे, 8 देख लेंगे, 20, ये मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर 16 को लेते हैं डी ऑप्शन जो सही है, इसमें दो टुकड़े करेंगे तो 8 और 8 के हो जाएंगे, और इनका गुणनफल करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा, जो आपके क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। तो अगर देखते हैं 2 से गुणा करेंगे 2400, जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3600 बन जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 3 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, तो यहां से हम सबसे पहले 64 से स्टार्ट करेंगे, तो इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 73 में 8 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 का अंडर रूट लेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 27 में जोड़ेंगे तो 9 × 7 = 16 36 आ जाएगा, 36 का जो अंडर रूट होगा 6 आ जाएगा, 6 को 3 में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट लेंगे 3 आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, कह रहा है एक्स बटे वाई का जो अनुपात है 4/5 है। कह रहा है कि 7x + 6y = 29, तो वाई का मान रहे, तो यहाँ से जो पहला वाला दिया है इसमें से हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू सेकंड वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे और वहां से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 2.5, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि उनमें से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। तो हमने मान लिया कि अगर एक x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी x + 14 हो जाएगी। हमें पता है कि महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इनमें इसको रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट में आपको दिया है कि 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। तो कह रहा है बी को ए से कितनी अधिक कैंडियां मिली, तो आपको क्या करना है कि जो हमारा 39 कड़ियां हैं और 4 और 9 को जोड़ लेंगे 13 हो जाएगा। तो सबसे पहले ए का निकाल लेंगे 4/13 × 39 कर लेंगे, फिर ऐसे ही 9/13 × 39 कर लेंगे, और जो बी का आ जाएगा उसमें से ए को माइनस कर देंगे तो आपका 15 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु को 2288 में बेची गई, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो इसको हम गो बैक मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम जैसे 2000 दिया हुआ हमारा है आपसे ले लेंगे, इसका 10% निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे जो आएगा उसका 30% निकाल लेंगे। तो इनको फिर हम जब इसको टैली कराएंगे तो 2288 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है वो 2000 वो सही हो जाएगा, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के आप बताएंगे तो हम उसका जरूर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और हमारा एक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टेक्निकल के नाम से फोल्डर है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आते हैं। तो वहाँ पे हम जो बेसिक साइंस है और सेमीकंडक्टर है, प्लेनेट से रिलेटेड है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे हम बताते हैं, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, जो काफी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।